नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ठीक है। पैरिंग की आज बहुत ही यूनिक ट्रिक है, चलिए देखते हैं क्या है ट्रिक। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक का, स्क्वायरिंग ट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग क्या होता है? किसी भी नंबर की उसकी खुद से मल्टीप्लाई, नंबर की नंबर से ही मल्टीप्लाई, सेम नंबर। जैसे 7 का स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, यू विल गेट 49। कैसे होता है? सपोज कीजिए आपको पता है स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड्स होती हैं, ये स्क्वायर की साइड्स है, सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड का स्क्वायर मतलब अगर सपोज कीजिए साइड है 7 सेंटीमीटर, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया। तो स्क्वायर क्या हुआ? व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ठीक है। नाउ अब स्क्वायरिंग की आज बहुत ही यूनिक ट्रिक है, चलिए देखते हैं क्या है ट्रिक। चलिए देखते हैं आज की ट्रिक क्या है। आज की ट्रिक है अगर दो नंबर्स दिए हैं उनका स्क्वायर करके उनका डिफरेंस भी निकालना है, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। लेकिन ये ट्रिक कब अप्लाई होगी? जब इन दोनों नंबर्स में एक का डिफरेंस हो, मतलब 7 6, 42 41, 59 58, 225 224, ठीक है। मतलब दो एडजस्टिंग नंबर जैसे 6 एंड 7, 7 में से 6 माइनस किया, 7 के स्क्वायर में से 6 माइनस किया, ठीक है। 42 में से इसके स्क्वायर में से 41 का स्क्वायर माइनस किया। आप कैसे करेंगे? देखिए ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप करेंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये क्या होगा? 49 माइनस 36। आप क्या करेंगे? आंसर आ गया आपका 13। लेकिन ट्रिक ये है कि ये जो दो नंबर्स दिए हैं बस इनको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जरा ऐड करो, आपका आंसर क्या आएगा? 83। इन दोनों को जरा ऐड करो, आपका आंसर आएगा 117। इन दोनों को जरा ऐड करो, आपका आंसर आएगा 449। देखा आंसर? विद इन सेकेंड आपने 4 इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर दिए। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करते तो पहले 42 मल्टीप्लाइड बाय 42 करते, 41 मल्टीप्लाइड बाय 41 करते। इसकी भी मैम ने ट्रिक्स बताई है मल्टीप्लिकेशन की। मैम की फास्ट कैलकुलेशन सीरीज देखिए, मास्टर बन जाइए, ठीक है। नाउ इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आएगा 1764 माइनस 1681, और जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 83। आई होप आप समझ गए कि ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे बहुत टाइम लगेगा, सिंपली आप करके देख लीजिएगा। 59 का स्क्वायर क्या होगा? चलो एक और बताते हैं। 59 का स्क्वायर होता है 3481, 58 का स्क्वायर होता है 3364। इन दोनों को माइनस करोगे 117 मिलेगा। हम तो पहले ही निकाल चुके हैं 117, हमने तो आंसर पहले ही सारे बता दिए। अब ये वाला आप जरा स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करें फिर आंसर निकाले, 449 ही आएगा। लेकिन जरा करके तो देखना कितना टाइम लगेगा। आई होप आप ट्रिक बहुत अच्छे से समझ गए हैं। जब भी कोई ऐसे नंबर्स हो जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो और उनका स्क्वायर करके डिफरेंस फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? सिंपली दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। इजंट इट इंटरेस्टिंग ट्रिक? चलिए अब देखते हैं आज का मैथ फैक्ट। नाउ टुडेज मैथ फैक्ट, ये देखिए मैंने क्या लिख रखा है बोर्ड पे। मैंने लिखे है प्राइम नंबर्स, 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं। प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी भी नंबर से ना डिवाइड हो। आप देखिए 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स देखिए, इसमें जो ये 2 है और 5 है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है 1 से 100 या कोई भी प्राइम नंबर कि जिसके एंड में 2 या 5 आता हो। देखो 3 है, 3 आ रहा है, बहुत नंबर्स के एंड में आ रहा है। 7 है, 7 आ रहा है। 1 आ रहा
है बहुत नंबर्स के एंड में, ठीक है। अब 2 और 5 किसी भी नंबर के एंड में नहीं आ रहा, 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, लेकिन कोई प्राइम नंबर मुझे ऐसा बता दो 2 और 5 के अलावा जिसके एंड में 2 और 5 आता हो, ठीक है। तो 2 और 5 आर द एक्सक्लूसिव प्राइम नंबर दैट एंड्स विद इटसेल्फ, ठीक है। Isn't it interesting? So in this I have told you a unique squaring trick and a method. Keep watching my series. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel. And also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.